मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बनबसा, टनकपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक के लोगों को सीधे सीधे जो शहर के अंदर घनी आबादी के बीच से आना पड़ता था और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे सीधे लोग यहाँ से जाएंगे आसपास के क्षेत्रों का। वहीं गदरपुर बाईपास के बन जाने से भी इस क्षेत्र के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी यात्रा उसकी समय सीमा कम होने वाली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिया है, हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जिन्होंने इसके लिए अत्यधिक प्रयास किया है उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी जनप्रतिनिधियों का जो हमारे इस काम में लगे थे उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देखिए, उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। 2 महत्वपूर्ण बातें इस दौरान उन्होंने कही। पहला ये कि वो जो जमीन है वो रेलवे की है और उसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा सरकार को वो मान्य होगा। इस वक्त इस मामले को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जो ये कहता था कि हल्द्वानी में डेमोलिशन की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए, अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब ये नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत धन्यवाद, उन्होंने मानवीय पहलू भी सुना और 4,365 परिवारों के सर पर छत बची रहे इस बात को भी समझा। 40-40, 50-50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, उस बात पे भी उन्होंने ध्यान दिया और फाइनली रोक दिया रेलवे को। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से जब तक आपके पास कोई ठोस आधार ना हो, जब तक कि आप उनको रिहैबिलिटेट करने का कोई प्लान ना हो। आज हम बहुत संतुष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आज जो सुनवाई चल रही थी उस मामले में क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो आप सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये आदेश दिया है कि डेमोलिशन की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया जाए और साथ ही हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। राज्य सरकार रेलवे पेटिशनर्स को नया एफिडेविट फाइल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और साथ ही राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि हल्द्वानी में रह रहे लोगों को के पास जो जमीन के कागज हैं राज्य सरकार पहले उन्हें वेरीफाई करे, उन्हें जांचे और उसके आधार पर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।